झांसी जिले के पूर्व विधायक गरोठा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ अब गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है, उन्हें गैंग लीडर बनाया गया है। इसके अलावा लेखराज समेत अन्य के खिलाफ भी गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है। मालूम हो कि सितंबर माह में पेशी पर झांसी आए हिस्ट्री सीटर लेखराज को छुड़ाने के प्रयास की साजिश के आरोप में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है, जिसमें उन्हें गैंग लीडर बनाया गया है। बताते चले कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव निवासी बुढ़ावली, लेखराज निवासी सिरधरपुरा रानीपुर, अमित यादव उर्फ गुड्डू निवासी सतपुरा उल्दन, वहीद खान निवासी सिरधरपुरा रानीपुर, ब्रजेंद्र सिंह उर्फ शत्रुघ्न निवासी टिकरी रानीपुर, जवाहरलाल निवासी ग्राम टिकरी रानीपुर, ऋतुराज सिंह निवासी कोलवा, रहीश प्रसाद यादव निवासी सारोल बरुआ सागर, सुरेंद्र कुमार निवासी सुवयानी खुर्द रानीपुर, अंकित निवासी हरकनपुरा चंदेरा, भगवान दास राय निवासी बसारी मऊरानीपुर, विष्णु राय निवासी टीकमगढ़ बस स्टैंड मऊरानीपुर, रंजीत राय निवासी बनपुरा चंदेरा टीकमगढ़, दीनदयाल कुशवाहा निवासी बनपुरा चंदेरा, अनिल यादव उर्फ मामा निवासी अखाड़ापुरा मोठ, धीरेन्द्र पाल निवासी मातनपुरा मोठ, मलखान शिवहरि निवासी मातनपुरा मोठ, ब्रजेंद्र कुमार यादव निवासी अखाड़ापुरा मोठ और मुकेश कुमार निवासी अखाड़ापुरा थाना मोठ के खिलाफ 2/3 गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है।